बहुत प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चिरकुट की गाड़ी। ठीक है, इस कहानी में हम एक ऐसे कौवे के बारे में पढ़ेंगे जो कि चिरकुट चिड़िया के बच्चों को खाना चाहता था। ठीक है, और उन बच्चों को खाने के लिए उसने किन किन लोगों की सहायता ली। ठीक है, और चिरकुट चिड़िया क्या अपने बच्चों को बचा पाएगी, तो आइए हम इस कहानी को सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। चिरकुट चिड़िया के दो छोटे और प्यारे बच्चे थे। कालू कौवा उनके बच्चों को खाना चाहता था। उसने एक तरकीब सोची। वह चिरकुट के पास आया और बोला, बहन जंगल में मेला लगा है, लाओ मैं तुम्हारे बच्चों को मेले में घुमा लाऊं। चिरकुट उसकी चालाकी समझ गई। वह बोली, कालू भैया मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं सकते, तुम लकड़ी की एक गाड़ी ले आओ, उस पर बैठा कर बच्चों को मेले में शेयर करा लाना। कालू खुश हो गया और वह उसे लगा कि उसका काम बन गया। वो मन में सोचने लगा कि इनको मैं जंगल में ले जाऊंगा और खा लूंगा। तो वह उड़ करके बढ़ाई के पास जाता है। बढ़ाई के पास जाता है और बोलता है, मुझे चिरकुट के बच्चों को सैर करवानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। बढ़ाई बोला, कालू भैया मेरे औजार पुराने हो गए हैं, तुम लोहार से नए औजार ले आओ, मैं गाड़ी बना दूंगा। कालू कौवा बोला, ठीक है। और कालू कौवा नए औजार लाने के लिए कहाँ चला गया, लोहार के पास चला गया। ठीक है, और औजार मांगने लोहार के पास गया। लोहार बोला, कालू मेरे जूते फट गए हैं, मेरे जूते क्या हो गए हैं, फट गए हैं। और फटे जूते पहनकर मैं कैसे औजार बनाऊं, तुम जाकर चर्मकार से मेरे लिए नए मेरे जूते सिलवा लाओ, मैं उन्हें पहन करके औजार बना दूंगा। लोहार के फटे जूते लेकर कालू चर्मकार के पास पहुंचा। चर्मकार बोला, कालू भैया मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम दूधिया के पास जाओ और मेरे लिए दूध ले आओ, मैं दूध पीऊंगा और जूते सिल दूंगा। तो कालू कौवा जूता वही छोड़ देता है और कालू जाता है दूधिया के पास। ठीक है, तो दूधिया के पास जाता है और बोलता है कि मुझे दूध चाहिए। दूधिया बोला, कालू भैया मेरे पास बर्तन नहीं है। क्या नहीं है, बर्तन नहीं है। तो तुम कुम्हार के पास जाओ और बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें दूध दूंगा। कुम्हार का क्या मतलब है, कुम्हार मतलब समझते हैं, कुम्हार मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उसे कुम्हार बोला जाता है। ठीक है, ओके। कालू बोला, कालू कौवा बर्तन लेने कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार बोला, कालू मुझे बुखार है, तुम डॉक्टर को बुला लाओ, मैं ठीक होकर के तुम्हें बर्तन बनाकर दे दूंगा। कालू कौवा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, कालू भैया मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, गंदे कपड़े पहनकर मैं कुम्हार के पास कैसे जाऊंगा, तुम पहले धोबी से कपड़े धुलवा कर ले आओ, उन्हें पहनकर मैं तुम्हारे साथ कुम्हार के पास चलूंगा। कालू कौवा डॉक्टर के गंदे कपड़े लेकर के धोबी के पास पहुंचा। धोबी बोला, कालू मैं तो अभी सब्जी लेने
बाजार जा रहा था। ऐसा करो, तुम मेरे लिए सब्जी ला दो, जब तक मैं डॉक्टर के कपड़े धो देता हूँ। ठीक है, कालू सब्जी लेने चला गया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धोकर और सुखा दिए। साफ कपड़े लेकर कालू डॉक्टर के पास गया। ठीक है, डॉक्टर साफ कपड़े पहन करके कहाँ गया? कुम्हार के घर गया। ठीक है, फिर कुम्हार के घर पहुंचा और उसे बुखार ठीक होने की दवा दी। कुम्हार ने ठीक होकर झटपट बर्तन बना दिया। ठीक है, बर्तन लेकर कालू दूधिया के पास गया। दूधिया ने बर्तन में दूध भर दिया और दूध लेकर कालू चर्मकार के पास पहुंच गया। फिर दूध पीकर चर्मकार ने फटे जूते सिल दिए। जूते लेकर कालू लोहार के पास गया। फिर लोहार ने जूते पहनकर औजार बना दिए और औजार लेकर कालू बढ़ाई के पास आया। बढ़ाई ने कालू की एक छोटी सी और सुंदर सी लकड़ी की गाड़ी बना दी। गाड़ी लेकर कालू चिरकुट चिड़ैया के पास गया और बोला, देखो बहन, मैं बच्चों को सैर कराने के लिए गाड़ी ले आया हूँ। तभी डाकिया ने आवाज लगाई, चिरकुट तुम्हारी चिट्ठी। चिट्ठी पढ़कर चिरकुट क्या करने लगी? रोने लगी। बोली, कालू भैया, मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, यह गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बैठा कर ले जाऊंगी। यह कहकर चिरकुट चिड़ैया अपने बच्चों के साथ लकड़ी की गाड़ी पर बैठ गई और अपनी माँ के घर चली गई। कालू बेचारा मुंह ताकता रह गया। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आया आप लोगों को? इस कहानी से बच्चों हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी व्यवसाय को लेकर के हमें छोटा या नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सब अपने अपने व्यवसाय में महत्वपूर्ण है, सबका कारोबार महत्वपूर्ण है, सबको अपने अपने काम की सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तभी हम लोगों का काम पूरा होता है। जैसे कि कालू को वह किसके पास गया? बढ़ाई के पास गया। उसके बाद फिर बढ़ाई औजार बनवाने के लिए किसके पास भेजा उसको? किसके पास भेजा? लोहार के पास भेजा। फिर लोहार ने उसको चर्मकार के पास भेजा। चर्मकार ने फिर दूधिया के पास, इस तरह से फिर डॉक्टर के पास। ठीक है, फिर धोबी के पास। मतलब सबका अपना अपना विशेष काम है, सबका अपने अपने काम का महत्व है। ठीक है, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ठीक है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।